महाप्रबोधन यात्रा के दौरान सुषमा अंधारी ने दिए अपने बयान के बाद थाने में जो है वारकरी समाज की तरफ से जो है उनका निषेध किया जा रहा है। इस वक्त मैं थाने के कोरम मॉल के परिसर में मौजूद हूँ। अगर आप पीछे देखने की कोशिश करो तो ये वारकरी समाज के लोग है। सुषमा अंधारी के खिलाफ जो है जिस तरीके से बयान दिया गया था उसके बाद से लगातार वारकरी समाज की तरफ से जो है उनका निषेध किया जा रहा है। इसमें ऐसा बताया गया कि जिस तरीके से सुषमा अंधारी ने जो है वारकरी समाज के खिलाफ दिए हुए बयान के बाद वारकरी समाज के लोगों को जो है ठेस पहुंची। इसके अंदर जिस तरीके से भगवान को लेके जो बयान दिए गए वो कहीं ना कहीं गलत है और इसके बाद से लगातार जो वारकरी समाज है थाने के उन्होंने जो है आंदोलन शुरू। हमारे भगवान के खिलाफ जो बोल रही है ना वो हमको पसंद नहीं है। ऐसा कुछ किसी ने नहीं ऐसा करना चाहिए हमारे भगवान के लिए। ये हमारा भगवान है, ये हमारी जान है, ये महाराष्ट्र का जान है, ये संत लोग सब हमारा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे आगे करेगा तो हम आगे क्या करना है, आगे बोलेंगे, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। सुषमा अंधारी ने महाराष्ट्र के संतों के ऊपर जो बेताल वक्तव्य किया है वो वक्तव्य उन्होंने जो किया है उसके बारे में आज हम सब थाने शहर के संत लोग यहाँ निषेध करने के लिए आए हैं। जब ऐसा वक्तव्य करेंगे तो थाने शहर के नहीं पूरे महाराष्ट्र के पूरे देश के संत लोग ये वक्तव्य के खिलाफ हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने जो हिंदुओं के ऊपर जो वक्तव्य किया है कि ये हिंदू ही है कि नहीं है इसके बारे में भी अभी हमको डाउट आने लगा है, हमको शंका आने लगी है कि तू जब हिंदू रहेगी तो हिंदू के बारे में इसे नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं वारकरी समाज में जो नाराजगी पैदा है, देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सारी चीजें खुलकर सामने जाए। थाने से रिजवान शेख, लोकल फॉर वोकल के लिए।